इन्फिनिक्स हॉट 30i, बहुत ही इजी तरीके से हम बाईपास करेंगे इसको। इसको लॉक लगा हुआ है, पैटर्न लॉक लगा हुआ है, इसको बाईपास करने जा रहे हैं। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद एक वाईफाई कनेक्ट हो गया है और अब हम इसको नियर बाई करने के बाद देखना, नीड टू हेल्प शेयरिंग पर क्लिक करना है और हमारे पास ये विंडो खुल जाएगी। इस पर 3 डॉट पर हमने क्लिक करना है, उसके बाद शेयरिंग पर क्लिक करना है और फोनिक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम एक वेबसाइट खोलेंगे EFRP, उसमें सेटिंग खुल जाएगी उससे EFRP। देखिए इसमें एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग खुल गई। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस पर डिजिटल पर क्लिक करेंगे। डिजिटल पर क्लिक करने के बाद नीचे सबसे नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पालम स्टोर को ओके कर देंगे। पालम स्टोर को ओके करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे एक्टिविटी लॉन्चर, ये लॉन्चर नया लॉन्च हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। पहले वाला नहीं रहा, इसमें नया आया एक एक्टिविटी लॉन्चर, इस पर हम क्लिक कर देंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ओपन करने के बाद सभी फाइलें को ये सर्च करेगा, लोडिंग योर एप्स। ये नीचे देखो, इस पर एक होएगा एंड्रॉयड सेटअप, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे तीसरे नंबर पर क्लिक करना है, तीसरे नंबर वाला, ये वाला। उसके बाद स्टार्ट, स्किप, यहाँ पे एक लॉक मांगेगा, नेक्स्ट, नो केबल, विदाउट केबल, नेक्स्ट। उसके बाद लॉक ये वही मांगेगा जो FRP पे लगा हुआ है लॉक, इस पर हम माई गूगल पे कर देंगे। नेक्स्ट, इन्फिनिक्स वाला आ गया। अब एक और हैंडसेट लेंगे और उसके नोटिफिकेशन आ जाएगी उस पर, देखो स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखो एक नोटिफिकेशन आ गया, कनेक्टिंग हो गया। अब हम ये फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद हमारी जो जीमेल अकाउंट है, देखो कॉपी योर अकाउंट, अपना जो अकाउंट है वो इसमें सारा कॉपी हो जाएगा। अब हमारा ये डाटा कॉपी हो रहा है और जीमेल अकाउंट कॉपी हो रहा है। इस सेट में भी लिखा आ गया इन्फिनिक्स हॉट 30i, कनेक्टिंग हो रहा है, सारा डाटा कॉपी हो रहा है हमारा, सारा डाटा कॉपी होने के बाद हम दूसरा फ़ोन को अलग कर देंगे। अब जो ये डाटा कॉपी हो रहा है ना, ये अब आगे नेक्स्ट को कॉपी पे क्लिक करेंगे। मैंने कॉपी पे क्लिक करने के बाद हमारा जीमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा, गूगल सर्विस आ गई और यहाँ पे ये आईडी हमारी आ गई। इसके बाद एक्सेप्ट, लॉक नहीं लगाएंगे। यहाँ से हमारा सेटअप फिर से वापस चला जाएगा क्योंकि जीमेल आईडी प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुई है इसमें, फिर इसको हम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करने के बाद फिर हमारा सेट बिल्कुल ओके हो जाएगा। अब देखो ये आगे नहीं जा रहा है, इसके बाद बिल्कुल बैक चला जाएगा। इसके बाद हम इसको बैक आ गया, अब इसको रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद
हमारा सेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। एफआरपी रिमूव हो गई है अब इसकी, देखो हमारा सेट ऑन हो गया होगा। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट 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 करते हैं। ये हमारी जीमेल आई डी इसमें आ गई, एक्सेप्ट और स्किप, और ये जो हमारा फ़ोन है वो अनलॉक हो गया। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।